और आइए अब देख लेते हैं दिल्ली सरकार को घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी का आज 26 मार्च तक विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान। आज से 26 मार्च तक दिल्ली बीजेपी के नेता अपने अपने इलाके में घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे। केजरीवाल की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा करेंगे उजागर। कल 17 मार्च को दिल्ली बीजेपी राजधानी के प्रमुख मेट्रो स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन, 18 मार्च को दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में प्रोटेस्ट करने का किया ऐलान। शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी के जन जागरण अभियान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रमेश भिदूड़ी, हंसराज हंस और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन दुर्दांत ने देश भर में मची खलबली से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। एबीपी न्यूज पर दिखाए गए लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस, सलमान खान की सुरक्षा की समीक्षा। फिलहाल सलमान को मिली हुई है वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा। लॉरेंस बिश्नोई का साथी शक्ति सिंह हथियारों के जखीरे के साथ सीकर से गिरफ्तार। पुलिस को 4 पिस्तल और 104 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, सलमान ने हमारे समाज का अपमान किया, माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। साल 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, तब 5 साल का था लॉरेंस बिश्नोई। अब हिरण के शिकार को बताता है अपने समाज का अपमान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू पर भटिंडा जेल प्रशासन की सफाई, कहा जेल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है इंटरव्यू। ऑपरेशन दुर्दांत पर पंजाब की राजनीति गर्म, बीजेपी अकाली दल के नेताओं ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए। एबीपी न्यूज पर दिए लॉरेंस के इंटरव्यू पर बोले पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद, पंजाब की जेल में नहीं हुआ लॉरेंस का इंटरव्यू, पंजाब की जेल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।